हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल संदीप सीटेट मास्टर में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे अंकगणित, जो कि यूपी पैट में आपके में पूछी जाएगी। उसमें भी टॉपिक है हमारा भिन्न तथा दशमलव। इसकी मैंने आपको इससे पहले सबसे पहले मैंने आपको होल नंबर की दो क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई थी, जो प्रीवियस ईयर में यूपी 2LSC ने पूछे हैं। इसके बाद मैंने आपको भिन्न तथा दशमलव के एक क्लास आपको प्रोवाइड करा दी थी, और मैंने बोला था कि आपके जो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें मैं आपको भिन्न तथा दशमलव यानी कि डेसिमल एंड फ्रैक्शंस के जो बचे क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो। यानी कि सर, इसमें से मुझे कोई संख्या माइनस करनी है और माइनस करने बाद रिजल्ट में ये आता है, लेकिन वो संख्या घटानी कौन सी है? ये इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सी संख्या घटाएंगे, तो देखेंगे। सबसे पहले कहा गया 5/14 में से क्या घटाएं। जब बात आती क्या घटाएं, तो इसकी जगह पे हम अपने मन से मान लेते हैं x, क्या घटाएंगे, x घटाएंगे। तो लिखते हैं इस चीज को, 5/14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7/42, ठीक है, तो हो गया ये। उसके बाद x को मैं एक तरफ रखूंगा, तो इसे मैं, ये माइनस का x है, इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, 5/14, और ये प्लस का 7/42 इधर आएगा, माइनस का 7/42, ठीक है, और ये x। अब क्या करेंगे, मुझे डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, तो मैंने देखा कि सर इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 42, ठीक है, तो ये 5 × 3 = 15 और ये 14 × 3 = 42, ठीक है, और माइनस 7/42 इज इक्वल टू एक्स, 15 में 7 जाएगा तो 8/42 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड होगा, कितने से, 2 से, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 4, यहाँ पे 21, ठीक है, x, x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 8/42 यानी कि 4/21 हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.00032 की होल पावर 0.6, और इसकी वैल्यू पूछी गई क्या होगी, ठीक है, देखते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देखेंगे इसे, ये अगर कोई चीज़ इस तरह से लिखी होती 0.71, तो इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 71/100, ठीक है, यानी कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स बनी होती हैं डिनोमिनेटर में, मैं उतने जीरो बना लेता हूँ, इसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को मैं ये लिख दूंगा। सेम चीज़ मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, ठीक है, देखेंगे कैसे लिखेंगे। तो इसे मैं लिखूंगा, सबसे पहले क्वेश्चन जो लिखा है वो नोट कर लेता हूँ मैं, 0.6, ठीक है, ये चीज़। इसके बाद मैं इसे लिखूंगा क्या, 0.00032 डिवाइडेड बाई कितनी बार है, कितने अंक है डेसिमल के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि मैं इस चीज़ को लिख दूंगा ये 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख दी। और इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 6/10, ठीक है, और अब इसे मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो ये सीधे सीधे मुझे क्या दिख रहा है, 32 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 32, तो 32/1000 कितने कितने जीरो, 5, ठीक है, ये। और ये 6/10 क्या है, इसे मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 3/5, ठीक है, 3/5 हो गया। इसके बाद अगर मैं इसे ध्यान से देखना चाहूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 5, और ये 10 की पावर 5, तो इसे मैं लिख दूंगा 2/10 की पावर 5, और ये तो अभी मैंने इसे लिखा है, इसकी भी होल पावर क्या है, 3/5, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होगी, ये वाली, एक्स की पावर एम और उसकी पावर एन, इसको लिखते हैं एक्स पावर एम मल्टीप्लाई एन, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अब मैं यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो लिखेंगे 2/10 की पावर 5 × 3/5, ठीक है। अब क्या होगा, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, उसके बाद क्या बन जाएगा, ये से ये कैंसिल, तो बचा क्या, 2/10 का क्यूब, ठीक है, देखें, उसके बाद
दो का क्यूब 10 का क्यूब यानी कि 8/1000, और ये 8/1000 को लिखते क्या है 0.008। ठीक है, यहाँ देखें दशम, यहाँ कितने जीरो हैं, तीन, यानी कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होनी चाहिए, तीन। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ चुका है, तो ऑप्शन हमारा सी। ठीक है, तो इस तरह से आसानी के साथ आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह जब पावर वगैरह दी जाएंगी तो आप उसमें सॉल्व करेंगे, और इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको अप्लाई करनी होंगी। देखें और इसे नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और ये ऑप्शन दिए गए हैं। इस तरह का मैंने आपको क्वेश्चन एक बताया था जिसमें हाईएस्ट नंबर पूछा गया था, हाईएस्ट फ्रैक्शन पूछा गया था, लगभग वैसा ही सवाल है इसमें, सबसे छोटी संख्या पूछी गई। आपको मैंने तरीका लगभग बता दिया था कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैंने बताया था ऑप्शन को, ऑप्शन लेते हैं और उन्हें मैं कंपेयर करता जाता हूँ कि सबसे छोटी कौन सी है। ठीक है, जो बड़ी संख्या मुझे मिलती जाएगी उसे मैं हटाता जाऊँगा, एलिमिनेट करता जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों संख्या को ले लेता हूँ, ए और बी को। संख्या दी गई मेरे सामने 7/13 और 11/13। ध्यान देंगे इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं, इसमें क्या डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि सर ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है इससे। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सीधे सीधे हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। मुझे क्या देखनी है, छोटी संख्या, यानी कि सर 11/13 नहीं होगी, इसे हटा देते हैं, 11/13 नहीं होगी। फिर इसके बाद मैं ऑप्शन ले लेता हूँ 14/33, इसको कंपेयर करता हूँ। इसके लिए मैंने बताया था जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हो जाते हैं दोनों संख्याओं में, तो इस तरह से गुणा करते हैं, इसका इससे और इसका इससे, देखते हैं कितना आएगा। अगर मैं 33 का गुणा 7 से कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 * 21, 7 * 21, 2 * 23। ठीक है, 231 आएगा। अगर मैं 14 का गुणा 13 से करूंगा तो कितना आएगा, 14 * 3 = 42, और 14 * 14 = 18। ठीक है, 182 आ रहा है, 182 आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ सर, ये संख्या हो गई छोटी, ये संख्या हो गई छोटी और ये संख्या हो जाएगी बड़ी, तो हमें तो छोटी संख्या ढूंढनी है, यानी कि सर ये 7/13 तो खत्म, ये संख्या भी कट गई। अब बची कौन सी, 14/33 और 8/15, 14/33 और 8/15। मैं इनको देख लेता हूँ कौन सी संख्या छोटी है, 14/33 और 8/15, देखते हैं। फिर वही चीज गुणा करा के देखते हैं, इधर पे 15 का गुणा 14 से कराएंगे, 15 * 6 = 60, 15 * 15 = 21, 210, 33 का गुणा 8 से कराएंगे, ठीक है, तो 8 * 3 = 24, 8 * 3 = 24 = 26, 264 कितना आया, 264 इसके लिए आया, 264, यानी सर ये वाला जो फ्रैक्शन है ये ज़्यादा है इससे, तो हमारे लिए छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 210, 210 यानी कि 14/33, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे में। क्वेश्चन है 1 - 1/4 * 1 - 1/5 * 1 - 1/6 ... 1 - 1/n, ये क्वेश्चन दिया गया और पूछा गया कि इसकी वैल्यू आप बताएं। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए n, 1/n और 2/n, 2/n और 3/n। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या आएगा सही। पहले मैं इन चीज़ों को सॉल्व करता हूँ, क्या दिया गया है, अब सवाल लिख लेते हैं, 1 - 1/4, 1 - 1/5 और 1 - 1/6 ... 1 - 1/n, सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 4 * 1 = 4, ठीक है, ये तो आप सॉल्व कर ही लेते हैं, तो 4 - 1 = 4 * 5 - 1 / 4 * 5 * 6 - 1 / 6 ... (n - 1 / n), इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 3/4 * 5 * 5 / 6 * (n - 1 / n). अब देखेंगे इसमें एक चीज़ दिखी मुझे, ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया,
ऐसे ही ये जो 6 है आगे और कोई नंबर होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सर इधर से आगे वाली संख्या का न्यूमिरेटर पीछे वाली संख्या का डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, तो ऐसे ही ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट पीछे जो होगा डिनोमिनेटर में क्या बना होगा, एन माइनस वन, जैसे यहाँ पे बना है 5 के लिए 5 इधर बना है, तो ऐसे एन माइनस वन के लिए एन माइनस वन इधर डिनोमिनेटर में बना होगा जो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये वाला न्यूमिनेटर 3 और ये वाला डिनोमिनेटर n, तो 3 अपॉन n हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखें तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको देख के ये नहीं सोचना है कि हो सकता है लेंदी हो, आप ट्राई ना करें, आप बिल्कुल ट्राई करें और आसानी के साथ इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सॉल्व कर लें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरोही क्रम को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आरोही क्रम को दर्शाता है। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या। ठीक है, तो ये हमें पूछा गया है। तो इस सवाल को हम करेंगे कैसे, मैं बस इसमें ये देखूंगा कि ये जो ऑर्डर है क्या सही क्रम में लगा हुआ है, मतलब मैं देखूंगा ये जो संख्या ये छोटी है अगर कोई, जैसे तो ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सबसे छोटी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, अगर इस तरह का ऑर्डर मुझे दिख जाता है तो मैं कह दूंगा ये आरोही क्रम में सेट है। ठीक है, तो हमें बस यही चेक करना है। सबसे पहले मैं जो ऑप्शन ए है इसे देखूंगा, इसे चेक करके देखूंगा क्या ये आरोही क्रम में लगे हैं, क्या ये संख्या सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, ये सबसे बड़ी, अगर ऐसा पैटर्न दिख जाएगा तो मैं कह दूंगा ये आरोही क्रम में। ठीक है, मैं ऑप्शन ए को लेता हूँ, ऑप्शन ए को लिया मैंने, 2/3, 3/5, मुझे बस इनको, अब मैंने ये दो संख्या ली, मुझे इनको कंपेयर करना है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, मैंने देखा 5 2 10 और ये 3 3 9। अब ध्यान दे, मैंने इन दोनों को कंपेयर कर लिया और मैंने बता दिया कि सर ये जो संख्या है बड़ी है, इससे ये मैं तरीका आपको बता चुका हूँ इससे पहले कई बार। तो आपने क्या देखा सर, 2/3 बड़ा है 3/5 से। ठीक है, तो यानी कि सर हमारे आरोही क्रम के लिए क्या होना चाहिए था सर, ये संख्या छोटी होनी चाहिए थी, क्या ऐसा है, नहीं। तो मैं ये पूरा ऑप्शन ही कट कर दूंगा, क्यों, क्योंकि यहीं पे ही ये ऑप्शन ये इस चीज को फॉलो नहीं कर पाया। देखें ये संख्या बड़ी है, सॉरी ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी, यानी कि ये आरोही क्रम को दर्शा नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे, ऑप्शन बी में क्या दिया गया है देखेंगे इसे, 3/5, 2/3 मैंने देखा इन दोनों को, तो अगर हमें ये ऑप्शन सही करना है तो यानी सर ये छोटा होना चाहिए, चेक करेंगे 3 3 9 5 2 10, अभी तक तो सही है सर, अभी तक तो सही है। और आगे देखते हैं फिर 7/9, 7/9 इन दोनों को कंपेयर किया मैंने तो क्या देखा, 3 7 21 9 2 18, अभी भी ठीक है सर। और आगे बढ़े 7/9 क्या क्या है, 9/11, 9/11 फिर देखते हैं 11 7 77 9 9 81, अभी भी ठीक है सर, देखें एकदम बढ़िया असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। आगे देखते हैं 9/11 के बाद क्या है, 8/9, 8/9 सॉल्व करते हैं फिर, तो 9 9 81 और 9 9 81 9/11, 8/9 ठीक है, 9 9 81 11 8 88। ये सब कैसे में है, असेंडिंग ऑर्डर में सेट है, यानी कि ये संख्या कैसी है, छोटी, ये संख्या बड़ी है, यानी कि सर हमें पूरे जो मैं इसे सॉल्व कर रहा था इसमें कहीं पे भी ऑर्डर हमारा गड़बड़ नहीं हुआ, यानी कि पूरा पूरा असेंडिंग ऑर्डर में सेट है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो और बाकी का ऑप्शन चेक कर सकते हैं, इसमें ऐसा पैटर्न पूरा फॉलो नहीं होगा, चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे 8/9 दिया गया है, 8/9, 9/11 ठीक है, 11 8 88 और 9 9 81, देखें ये क्या हो गया, ऑर्डर डिसेंडिंग वाला आ चुका है ना, ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, तो जब आरोही क्रम की बात होती तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आरोही क्रम के लिए कैसा होना चाहिए, इस तरह से, है ना। तो ये ऑप्शन भी हमारा सी सही नहीं होगा। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, 2/3, 3/5 ठीक है, 5 2 10 और 3 3 9, देखें कितना आसान काम है, अभी भी यहाँ पे ऑर्डर ये सेट नहीं हुआ है,
तो चार तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए, ऑप्शन बी हमारा सिर्फ सही होगा। ठीक है, करने का तरीका यही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा जो मैंने बताया है आपको। ठीक है, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसे समझ लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू दी गई है, कह रहा है 51.84/4/3 का वैल्यू 12 है, और फिर हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है क्या होगा। ध्यान देंगे आप, इसको सीधे भाग नहीं देंगे कि आप भाग दे लें और फिर देखें कितना आ रहा है, तो उससे बहुत मुश्किल पड़ जाएगा या टाइम लग जाएगा। अगर हमें ये चीज़ दी गई है, इसका मतलब ये है कि इस चीज़ का मुझे यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर ये चीज़ मुझे क्वेश्चन में दी गई, इसका मतलब ये है कि मैं इस चीज़ को यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे मैं समझूंगा इस चीज़ को, देखेंगे। मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे, क्या यहाँ पे 51.84 यहाँ पे इस तरह से संख्या दी गई है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे संख्याएं सेम है, बस उनका जो डेसिमल है वो इधर उधर है थोड़ा सा। यानी कि मैं इस चीज को ये बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे करेंगे तो ध्यान देंगे, अभी आप देखें ये अंश जो है सिर्फ मैं इसे ले रहा हूँ। ठीक है, आप देखेंगे ध्यान से, तो अंश को जब मैं लेंगा तो मुझे क्या करना है, सर ये अगर मैं डेसिमल जो है 1, 2, 3, 4, 4 अंक में डेसिमल राइट साइड ले आऊं तो कहानी हमारी बन जाएगी। आएगी कैसे, ध्यान देंगे, अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी होती है 5, ठीक है, अगर कोई संख्या लिखी है 0.32, अगर मैं इसमें 100 का गुणा करा देता हूं तो ये संख्या इधर आ जाती है। यानी कि डेसिमल को राइट साइड लाने के लिए हमें गुणा करना होता है, यानी कि हमें राइट साइड डेसिमल को लाने के लिए गुणा करना होता है। ठीक है, अब देखेंगे गुणा करना होता है या भाग देना होता है। ठीक है, समझेंगे। तो अब मैं इस संख्या को ले रहा हूं, ठीक है, तो ये संख्या लिखी है मेरे सामने और मैं इसमें क्या करूंगा, 4 अंक डेसिमल राइट साइड लाना है, तो मैं 4 बार 0 का भाग दे दूं। इस चीज को मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं, ठीक है, 0, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 2, 3, 4, और फिर 0, 0, 5, 1.84। ठीक है, देखें संख्या कितने आगे चली गई, 1, 2, 3, 4, यानी कि यहाँ पे मुझे 1000 का भाग, ये 4 टाइम 0 का भाग देना पड़ेगा। देखें इस चीज़ को सही लिख दिया मैंने, यानी कि सर ये इस चीज़ को मैं कहूँगा 51.84 लिख दिया है और मैंने 4 टाइम 0 का भाग दे दिया है। ये चीज़ एक ही है। ठीक है, इसके बाद ये तो अभी न्यूमरेटर सॉल्व किया है मैंने, अब डिनोमिनेटर को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसे इसे आप क्या लिखेंगे, 4.32/10। ठीक है, ये दोनों चीज़ एक ही लिखी हुई है। देखें जो न्यूमरेटर है उसे मैंने ये लिख दिया और डिनोमिनेटर को मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और ध्यान देंगे आगे बढ़ते हैं इसी को। अब क्या करूँगा मैं, ये जो है इसे मैं इसमें ऊपर ले जाऊँगा तो क्या ये घात क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। ऐसे लिखेंगे 51.84×, ठीक है, ये क्या है 10 की पावर 4 है, क्या है 10 की पावर 4, ऊपर जाएगी माइनस में घात आ जाएगी 10 की पावर -4। ये इसको लिखेंगे तो 4.32×10^-1। ठीक, इसके बाद क्या चीज़ देखता हूँ मैं, ये जो चीज़ लिखी हुई है एक्चुअल में ये क्या है 12, देखें। ठीक है, तो इसे मैं सीधे सीधे 12 लिख दूंगा, 12 मल्टीप्लाई, और इसे सॉल्व करेंगे तो 10^-4×10^1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 12×10^-3, 12×10^-3। इसी को मैं लिख सकता हूं 12/1000, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 0.012। ठीक है, 3 अंक डेसिमल है इधर पे, 0, 1, 2, 3, यानी कि 1, 2, 3 सही लिख दिया मैंने। ठीक है, 0.012, तो ये हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है, यदि अंश में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है, भिन्न के अंश और हर का योगफल। तो सबसे पहले यहाँ बात आ रही भिन्न की,
भिन्न में एक, भिन्न के अंश में एक जोड़ते हैं या भिन्न के हर में एक जोड़ते हैं, तो भिन्न क्या है? भिन्न मैं मान लूंगा, भिन्न क्या है? एक्स, मैं भिन्न का जो अंश है उसे एक्स मानता हूँ और हर जो है उसे वाई मान लेता हूँ, ठीक है, यही है भिन्न, ये मैंने मान लिया अपने से, ठीक है। तो कह रहा है यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ते हैं, हर में मतलब ये अंश, ये हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, हर में एक जोड़ा जाता है, तो अगर मैं हर में एक जोड़ता हूँ यानी कि सर, तो भिन्न 1/2 हो जाता है, यानी कि एक्स अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। ये किस लिए लिखा मैंने, ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, ये हो गई ये इक्वेशन फर्स्ट। या ये कह लें इस चीज को मैं थोड़ा अगर और सॉल्व करना चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 2x, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो क्या आ जाएगा y प्लस 1। या मैं ये कह सकता हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, देखें तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट हमारी, इक्वेशन फर्स्ट जो कि क्वेश्चन में बोला गया, तो मैंने उसे और सॉल्व किया, ये बन गया। आगे देखते हैं और क्या कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है, यानी कि जो दूसरी इक्वेशन है वो ये कह रहा है, यही सॉल्व करते हैं, तो एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, देखें यही तो लिखा, तो भिन्न एक हो जाता है, एक हो जाता है, इसको सॉल्व करेंगे और, तो एक्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, या फिर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, ये चीज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। अब मेरे सामने बस यही ऑप्शन है, दो इक्वेशन दे दी गई हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू पता करेंगे और फिर आसानी से जो कुछ क्वेश्चन पूछा गया हम उसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, अगर मैं ये कहूँ कि मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, ध्यान देंगे, मैं मेरे दिमाग में एक बात आई कि घटा देंगे, ठीक है, यहाँ पे देखें ये माइनस वाई लिखा है, ये माइनस वाई लिखा है, ये माइनस वाई, ये माइनस वाई, तो मेरे सामने क्या ऑप्शन है कि अगर मैं फर्स्ट में सेकंड को घटा दूंगा तो ये वाई कैंसिल हो जाएगा, भाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये जो इक्वेशन सेकंड है अगर मैं इसको घटाता हूँ तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये प्लस का वाई, ये माइनस का वाई, ये प्लस का वाई हो जाएगा और ये वाई वाई कैंसिल, एक्स बचेगा और एक्स हम सॉल्व कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और इधर क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, जब मैं माइनस करता हूँ तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का एक्स, ये प्लस का वाई और ये प्लस का वाई, 2x में से एक्स मिल जाएगा तो कितना, एक्स और प्लस का वाई, माइनस का वाई प्लस का वाई कैंसिल, तो 0 कह लो या कुछ भी नहीं, और इसे लिख देंगे 2 1 1 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2, अब एक्स की वैल्यू आप कहीं पे भी रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में, वाई की वैल्यू आ जाएगी, देखेंगे मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर एक्स की वैल्यू, एक्स का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, यहाँ रखेंगे तो 2x, 2 एक्स की जगह कितना, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2 दूनी 4, 4 में से वाई जाएगा इज इक्वल टू 1, तो वाई इज इक्वल टू कितना, 4 माइनस 1, यानी कि 3, वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, जो भिन्न था हमारा, हमसे क्या पूछा गया है, भिन्न के अंश और हर का योगफल, भिन्न का अंश क्या है एक्स और भिन्न का हर क्या है वाई, और देखें दोनों की वैल्यू बता दी मुझे, हर का अंश और हर का योगफल बताना है, यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, यानी कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ऑप्शन हमारा बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, कुछ नहीं था, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज थी उसे समीकरण के रूप में लिख देना था और उन समीकरण को मैं सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दूंगा और जो चीज़ मुझसे पूछी गई है मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। तो चाहे मुझसे यहाँ योगफल पूछता चाहे अंतर पूछता, मैं कर सकता था जब इनकी वैल्यू मुझे पता हो जाती तब, ठीक है। तो
तो आज जो हमारी क्लास थी भिन्न तथा दशमलव की, ये लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं उन्हें हम कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने आपको बताया है उससे आपको समझ आया होगा, आप टॉपिक्स में जो क्वेश्चन बनते हैं उनका अंदाज़ा लगा होगा कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो आज मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारे जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक मैं डाल दूंगा, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से, जिसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।